बिजनौर के दारानगर गंज में चलने वाले गंगा स्नान मेले का उद्घाटन केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ गंगा का पूजन करते हुए उसमें दूध अर्पित किया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा ने मंत्रोच्चारण किया। मेला 3 दिन चलेगा जो कल से शुरू हो गया है। लोगों ने बुग्गियों और ट्रैक्टर ट्रालियों से पहुंचकर वहां पर अपने तंबू गाड़ लिए हैं। मुख्य गंगा स्नान 8 नवंबर को होगा। देखिए तो हमारी पुरानी परंपराएं गंगा मेला और वो भी सबसे बड़ी बात है कि विदुर कुटी पे होना, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और मुझे खुशी होती है क्योंकि गांव से रहने वाला हूं, किसान परिवार से हूं, तो हमारी पुरानी परंपराएं आगे चलनी चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, इन्हें साधुवाद, और ये हमारी परंपरा ऐसे चलती रहे, यही शुभकामनाएं। देखिए कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, विक्रम सैनी को अपनी लड़ाई लड़के नहीं गए थे। विक्रम सैनी जिस उसमें गए जेल, वो समाज की लड़ाई थी। उस समय उनके गांव में 2 भाइयों की हत्या की गई, छेड़छाड़ हुई और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। 1 साल के करीब वो जेल में रहे और कभी भी मैंने उनका हौसला टूटता नहीं देखा। जनता का आशीर्वाद मिला, जिला पंचायत सदस्य रहे, 2 बार विधायक जनता ने चुना, तो अपनी लड़ाई नहीं थी, ये समाज की लड़ाई थी जो विक्रम सैनी जिसमें गए। तो लेकिन कोर्ट का फैसला, चूंकि उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, हम सब कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो भी फैसला सुबह का स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए तैयारी तो हमारा संगठन लगातार करता रहता है और मुझे लगता है एक तरफा भारी बहुमत से निकाय चुनाव में हम जीतेंगे। धन्यवाद।